हेलो एवरीबॉडी हाउ आर यू ऑल आई होप ईच वन ऑफ इज फाइन एंड डूइंग ग्रेट इन योर स्टडीज सो इस वीडियो में बात करूंगी आर आर ओ एग्जाम के बारे में ठीक है जो कि आज था आम से बहुत से लोगों को रहा होगा एंड कल भी है तो आप लोग बताइएगा जिन लोगों का जिस भी शिफ्ट में एग्जाम रहा कैसा लगा आपको एग्जाम देकर क्योंकि बहुत से लोग फ्रेशर्स रहे होंगे एंड कैसा लगा एग्ज़ाम का लेबल शिफ्ट वाइज वो वैरी किया होगा और मैं सिर्फ अपने शिफ्ट की बात करूँगी क्योंकि जो शिफ्ट हमने नहीं दे रखी है तो उसके बाद थोड़ा सा आइडिया हम जरूर दे सकते हैं लेकिन एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि ईजी था डिफ़िकल्ट था या बहुत ज़्यादा टफ था ये सारी चीज़ें थे मॉडरेट साइड में था तो वो उन सब चीज़ों का मैं बात नहीं करेंगे थोड़ा सा मैं ज़रूर बता दूँगी बट मैं फ़र्स्ट शिफ्ट की बात करूँगी जिसमें मेरा एग्ज़ाम था ठीक है तो मेरे हिसाब से जो मैं अभी तक देती आ रही हूँ एग्ज़ाम तो मुझे पेपर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं था बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं बोलूँगी बिकॉज थोड़ा सा मुझे लेंदी लगा लाइक like, अगर हम सबसे पहले रीजनिंग सेक्शन की बात करें वही ओपन हुआ था हमारा तो उसमें क्या था कि जो पज़ल्स थी हमारी एक तो उसमें आई थिंक पाँच पज़ल्स थी ठीक है तो एक पहली पज़ल सबसे पहले जो मुझे मिली थी वो थी कंट्री और उसमें जो पर्सनस बैठे हुए थे मतलब कंट्री और पसंद थे तो उसको उसमें पॉसिबिलिटी लेके बनाना पड़ा था तो वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग थी मुझे ऐसा लगा जिनसे बन के बन गई वरना वो थोड़ा सा था अगर कोई लोग स्टक हुए होंगे तो वो थोड़ा सा पजल uh, थी मतलब टाइम कंज्यूमिंग एक तरीके से बोल सकते हैं दूसरी थी हमारी अनसर्टेन वाली जिसमें ट्वेंटी एट मेम्बर फाइनली आंसर आया था बट उसमें भी अगर आप दो पॉसिबिलिटी साथ में लेके बनाते तो वो भी बन जाती ठीक है डायरेक्ट था ऐसा नहीं था कुछ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट थी होता नहीं कि लंदी बनाना तो वही आप सोच सकते हैं कि ट्वेंटी एट मेम्बर बैठेंगे तो कैसे कैसे आपको वो चीज़ें बनानी पड़ रही होंगी और वैसे उसी तरह स्टैक वाली थी सेवन स्टैक्स थे करके और सर्कुलर भी थी एंड सॉरी तो ये सारी पजल्स हो गई हैं आपकी एंड uh, बात करें ब्लड uh, रिलेशन के क्वेश्चंस नहीं थे सिलॉक्स था इनक्वालिटी भी था एंड डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के क्वेश्चंस थे जो कि इजी लेवल के थे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थे मिसलेनेस uh, की बात करें तो एक क्वेश्चन था हमारा नंबर है इसमें नंबर्स दे रखे थे ऑर्डर इवन में कुछ सब्सट्रैक करना था देन उसके बाद जाना था कि कौन सी डिजिट्स का रिपिटेशन हो रहा था तो उसमें आई थिंक जीरो टू सिक्स करके से मतलब तीन नंबर्स रहते जिनका रिपिटेशन हो रहा था एक ऑर्ड वन वाला था जिसमें uh, मतलब ऐसे ही फोर अल्फ़ाबेट्स दे रखे थे उसमें बताना था कौन सा ऑड वन है इसमें तो ये आपके में से थे और आ, बस यही रीजनिंग सेक्शन में था आई थिंक और बात करते हैं अब कॉन्ट सेक्शन की तो कॉन्ट में डी आई की बात करें सबसे तो डी आई ईजी लेवल की थी एक दो क्वेश्चन छोड़ के जैसा कि सभी में दे रखा होता थोड़ा सा क्वेश्चन की जो फ्रेमिंग होती है लेंदी कर दी जाती है थोड़ा सा मॉडरेट साइड में तो वो चीज़ें थी बाकी डी आई वगैरह की बात करें तो ईजी साइड में था और हमारा जो अप्रॉक्सीमेशन था वो भी था एक थोड़ा सा अब मतलब जिसमें लोगों को थोड़ा सा आंसर लाने में डिफ़िकल्टी हो सकती मुझे भी फेस करने को uh, मिली ठीक है तो मुझे ऐसा लग रहा था कि इसका आंसर ये होगा वो होगा थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग स्टेट हुई थी उसके बाद मैंने फाइनल टिक किया तो ये था अप्रॉक्सीमेशन एंड इनकोलिटी की बात करें वो भी हो गया था थोड़ा सा बहुत ईजी फैक्टर ना करके लाइक होता नहीं कि uh, एक्स करके तो एक्स वाई ना करके एक दो ऐसे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके आगे भी नंबर्स दे रखे थे तो बाकी ओवरऑल ये भी इजी था तो डी आई क्वारिटिक इक्वेशन अप्रॉक्सीमेशन ये सारी चीज़ें थी तो डूएबल थी एंड उसके बाद काफ़ी लोग बोल रहे थे केसलेट आई थी आई डोंट नो मुझे तो किसी जगह पे केसलेट नहीं दिखी अब आप लोग बताना जो लोग फर्स्ट शिफ्ट में तो मुझे तो सच में केसलेट नहीं दिखी क्योंकि मैंने Uh, सारे क्वेश्चन ही स्क्रॉल करके देखे थे फोर्टी क्वेश्चन से मुझे कहीं भी केसरेट नहीं दिखी फर्स्ट शिफ्ट में अब ये मैंने किसी एनालिसिस में देखा था किसी ने बोला था आई डोंट नो कि कैसे बोल रहे थे वो uh, कहाँ से दिखी क्योंकि मैंने सारे फोर्टी क्वेश्चन देखे थे मुझे केसरेट नहीं दिखी हो सकता हो मतलब अब कुछ कह भी नहीं सकते काफ़ी लोग यहाँ पर भी बोल सकते हैं कि ऐसा नहीं है तो आप लोग बताना जिन लोगों का फर्स्ट शिफ्ट में था एंड डेटा सब्सेंसी मुझे जरूर दिखी थी क्वेश्चन उसके दिखे थे डेटा सब्सेंसी के थे एंड उसके बाद अर्थमेटिक के क्वेश्चंस थे अर्थमेटिक की बात करें तो हाँ मैं ऐसा नहीं कि मेरा लेबल नहीं है एर्थमेट्रिका का इसलिए मैं ऐसा बात कर रही हूँ कुछ क्वेश्चन थे जो वेरिएबल बेस थे जैसे कि एक आप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाला था उसमें दे रखा था एंड सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का एक क्वेश्चन था उसमें भी जैसे कि एक्स की वैल्यू आई थिंक निकालनी थी उसमें बताना था ऐसे करके तो वो एक था हाँ रॉन्ग नंबर सीरीज़ थी वो भी मतलब इजी uh, पैटर्न पे थी लाइक like स्क्वायर था और गैप दे रखा था लेकिन हाँ थोड़ा सा आप कह सकते हो रॉन्ग नंबर सीरीज़ में एक दो थी जब मुझसे तो नहीं हुई एंड बस यही था ठीक है थोड़ा सा एथमेटिक का बोल सकते हैं रॉन्ग नंबर सीरीज का था बाकी ओवरऑल पेपर थोड़ा सा लेंदी आप बोल सकते हैं मॉडरेट साइड में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था करने वालों करने वालों ने बहुत अच्छा परफॉर्म भी किया है ठीक है तो ये सारी चीज़ें थी बाकी आप लोग अपने एक्सपीरियंस से बताना ये तो मेरा एक्सपीरियंस था अपना जो मैं अभी तक देती आ रही हूँ पेपर एंड थोड़ी बात अलग से करते हैं एग्जाम से अलग ठीक है जैसे कि मैं अभी अगर कोई एक्सक्यूज़ देती हूँ लाइक कि यहाँ पे माउस uh, स्टक होता है या फिर नेक्स्ट करने पे इतना टाइम टेक हो रहा था तो वो सारी चीज़ें लोगों को एक्सक्यूज़ लगती हैं ठीक है थीके? नहीं अभी जब से ग्रुप पे आप देखोगे कहीं पे भी या कहीं किसी का कमेंट पढ़ रहे होंगे तो काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम इस बार फेस करने को मिली किसी की स्क्रीन बहुत ज़्यादा छोटी थी किसी को uh, अपने डेस्क पे स्पेस कम मिल रहा था या जब आप नेक्स्ट कर रहे थे सेव या नेक्स्ट तो उसमें टाइम लग रहा था माउस में प्रॉब्लम हो रही थी काफ़ी चीज़ें इस तरह की हो रही थी तो ऐसा नहीं है बीइंग एन एस्पायरेंट मतलब जो लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं वही उस चीज़ को समझ सकते हैं कि हाँ इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती हैं और हमें फ़ेस करने को मिलती हैं पता नहीं है कैसे लोग इस तरह की बातें कर लेते हैं कि ऐसा नहीं था वैसा नहीं था आप एक्सक्यूज़ बना रहे हो ठीक है एक इंसान जो आपको मतलब एक होता नहीं कि आप इस प्लेटफॉर्म पे हो आप चीज़ें बता रहे हो तो लोगों को एक्सक्यूज़ लगता है ठीक है आपको तुरंत ब्लेम करने लगते हैं जब आप बहुत सारी मेजोरिटी उस चीज़ को बोलती है तो लोग हाँ कहते हैं कि हाँ चलो ये प्रॉब्लम थी हमारे साथ तो फिलहाल मैं अपनी बात नहीं कर मेरे साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी फॉर्चुनेटली बट ऐसा लोगों के साथ हुआ है इसलिए मैं बता रही हूँ ठीक है बाकी पेपर लेंदी था थोड़ा तो भी कुछ नहीं कह सकते जल्दी जल्दी में क्या होता कि मैं लास्ट में एथमेटिक ही कर रही थी तो अटम के बारे में कोई बात नहीं करूंगी इसमें और मुझे मैं सच बोलूँ तो मुझे ध्यान भी नहीं मैं देख भी नहीं पाई ठीक है तो आप लोग बताना कैसा कह रहा लोगों का आप लोगों का जो पेपर है जिन लोगों का कल एग्ज़ाम है उनको ऑल द बेस्ट ठीक है और जिन लोगों के पास स्मार्ट क्रीड़ा के की मॉक है ज़रूर लगा लगा के जाइएगा क्योंकि जैसे कि रीजनिंग का लेवल जो था सिर्फ पजल्स लेंदी थी आपकी तो उसमें जो मैंने मॉक दिए हैं इसमें मिल जाएंगी आपको लेंदी पजल्स और डीआई वगैरह की बात करें थोड़ा तो बहुत मिलता जुलता पैटर्न आप देख सकते हैं तो जिनके पास नहीं है आप लेना चाहो तो स्मार्ट क्रीड़ा का मॉक ले सकते हो कोड यूज़ कर लीजिएगा वी एस तो आपको टेन का डिस्काउंट भी मिल जाएगा ठीक है और मेमरी बेस जरूर लगा के जाइएगा अगर आपके पास टाइम है अभी बाकी तो यू you नो know, थोड़ा सा डिफरेंट रहता है चीज़ें शिफ्ट वाइज लाइक फर्स्ट है सेकेंड है थर्ड फोर्थ है तो पहला थोड़ा सा चलो थ्री मान लेते हैं ठीक है ईजयर साइड में रहता फिर सेकंड में थोड़ा सा अब होता है थर्ड फोर्थ में और ज़्यादा अब होता है तो इस तरह चीज़ें रहती हैं तो अब पैनिक मत करिए अच्छे से एग्जाम दीजिएगा ठीक है ये ना देख करके कि जो लोग जैसे कि आज जैसा एग्ज़ाम लोगों ने दिया है जैसे लोगों के अटैम्प रहे हैं हमारे साथ भी ऐसा रहेगा बस थोड़ा सा रिलैक्स आपको वहाँ पर रहना है किसी क्वेश्चन में अगर आप स्टक हो जाते हो तो आपको एक सेकंड भी सोचना नहीं है आपको तुरंत आगे बढ़ना है ये बिल्कुल यही सोचना कि आपसे क्यों नहीं बन रहा है जैसे कि आज ये पज़ल जो रीजनिंग सेक्शन में थी वो कंट्री वाली बहुत से लोगों के आप अगर आपने कहीं देखा होगा तो बहुत से लोग वहाँ पर स्टक हुए बाकी थर्ड फोर्थ और सेकेंड शिफ्ट की बात करें तो मुझे नहीं पता उसमें भी कोई बता रहे थे एज एज वाली पज़ल थी उसमें भी काफ़ी दस दस मिनट बर्बाद कर दिए तो इस तरह की गलती मतलब अगर आप बिगिनर हो तो चलो ठीक है फिर भी अगर हैं तो अगर आपको इस तरह की बातें सुनने मिल रही आप अभी भी सोच सकते हैं इस चीज़ को मत कीजिएगा ठीक है टाइम वेस्ट एक क्वेश्चन पे ठीक है अगर आप काफ़ी टाइम से एग्ज़ाम देते रहो तो आपको इस तरह की गलती करनी ही नहीं नहीं क्वेश्चन बन रहा अगर वो पाँच नंबर की पज़ल आपकी छूट रही है या पाँच नंबर का कोई और डीआई ही है अगर आपको नहीं समझ में आ रही तो आप छोड़ दो उस क्वेश्चन को उसकी जगह पर आप पाँच क्वेश्चन और भी आगे बना सकते हो इस चीज़ को ज़रूर सोचिएगा तो एकदम कूल माइंड हो के एकदम रिलैक्स हो के चीज़ों को करते जाइएगा कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा बस उसको छोड़ते जाइए छोड़ते जाइए सेम नेक्स्ट करते जाइए चाहे जितने भी आपको लगे कि हाँ ये भी क्वेश्चन छूट रहा है ये भी क्वेश्चन छूट रहा है आपको ये नहीं सोचना है हो सकता है आगे जो आने वाले क्वेश्चन हो आपसे बन जाएँ तो बस ऐसे रखिएगा चीज़ों को टेंशन नहीं लेना वहाँ एग्ज़ाम में पैनिक बिल्कुल भी नहीं करना है चीज़ों को ध्यान से करना है बाकी ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए अच्छे से दीजिएगा और आज के जिन लोगों का एग्जाम है अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा और हो सके तो एटम भी बताइएगा और फर्स्ट शिफ्ट का ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा एग्ज़ाम का लेवल जैसा कि लोग बोलते आते हैं कि एग्ज़ाम फर्स्ट शिफ्ट का ईजी साइड में रहता है सच बताऊँ तो मुझे उतना नहीं लगा ठीक है उस तरीके का लोग जैसे कि सेवेंटी सेवेंटी फाइव ऐसे बोल रहे थे ठीक है तो मुझे तो ऐसा नहीं लगा बाकी आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में क्योंकि मैं कुछ बोलूँगी तो काफ़ी ऑडियंस कुछ और ही तरीके से बोलेगी तो आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में ठीक है सो थैंक यू एवरी एंड गुड नाइट